नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। हस्तरेखा विज्ञान में चिन्हों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि व्यक्ति की हथेली में हल या तलवार का निशान हो तो यह भाग्यशाली संकेत है। ऐसे लोग धनवान होते हैं। यदि हथेली में मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में हो, मस्तिष्क रेखा दो भाग में बट रही हो, कनिष्ठा उंगली भी लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही राजयोग लेकर पैदा होते हैं। जीवन में ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में उच्च स्थान को हासिल करता है और धनवान होता है। यदि व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा और बुध रेखा सीधी एवं स्पष्ट है, साधी हाथ में गुरु और सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में है तो इस तरह के हाथों में राजयोग बनता है। व्यक्ति जीवन में सरकारी क्षेत्र में उच्च पद को पाता है। यदि व्यक्ति के हाथों में मछली का निशान है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करता। हाथ में मछली का निशान बेहद शुभ माना जाता है। यदि हथेली में सूर्य पर्वत से एक रेखा बढ़कर मस्तिष्क रेखा से गुजर रही हो तो मस्तिष्क रेखा के सिरे छुपकर गुरु पर्वत पे पहुंच रही हो तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। जीवन में ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाता है।